रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम का सेकंड पोर्शन कर रहे हैं। यंगेस्ट जीनियस, सबसे कम उम्र दानिशमंद। शी आल्सो रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड इन अगस्त 2005 फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड सदर पाकिस्तान से हासिल किया अगस्त 2005 में। अरफा करीम इज आल्सो द रेसिपियंट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अरफा करीम ने प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया। जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है, दिस इज वेरी हाई लेवल सिविल अवार्ड ग्रांटेड टू पीपल। ये तमगा है उसने कारकर्दगी सिविल में लोगों को अता किया जाता है। Who have shown excellence in their fields over a long period of time, जो बेहतरीन कारकर्दगी अपने मैदान में दिखाते हैं बहुत लंबे अरसे तक। तो हम देखते हैं कि एक्सीलेंस जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी, यानी वो सबसे बेहतर होते हैं, बहुत आला नमूना होते हैं। What is excellence? It is not an act, it is a habit. बार बार करने से आपके अंदर बेहतरी आती है। Arfa is until now the youngest recipient of this award. Arfa, अब तक के जितने भी लोगों ने अवार्ड हासिल किया उनमें से सबसे कम उम्र है। और रेसिपियंट कहते हैं वसूल करने वाले को, यानी वो लोग जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया, अरफा करीम उसमें सबसे छोटी हैं। एंड अरफा करीम हैज आल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। अरफा करीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बहुत सारे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर। शी वॉज इन्वाइटेड बाय द आईटी प्रोफेशनल्स ऑफ दुबई फॉर अ स्टे ऑफ 2 वीक्स इन दुबई। उससे आईटी प्रोफेशनल दुबई ने मदु किया एंड अ डिनर वॉज अरेंज फॉर हर देयर। उसके एजाज में एक इशाइया तरतीब दिया गया। ड्यूरिंग दैट ट्रिप अरफा वन मैनी मेडल्स एंड अवार्ड्स। इसके दौरान दौरे में उसने बहुत से मेडल और अवार्ड हासिल किए। शी आल्सो फ्लू अ प्लेन इन अ फ्लाइंग क्लब इन दुबई एट द एज ऑफ 10। उसने 10 साल की उम्र में एक प्लेन भी उड़ाया एंड रिसीव द फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, और उसके लिए पहला फ्लाइट सर्टिफिकेट हासिल किया। इन नवंबर 2006 अरफा वाज इनवाइटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू बी, अरफा को माइक्रोसॉफ्ट ने मदू किया टू बी पार्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सेशन इन द टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बार्सिलोना। एक टेक एड की कॉन्फ्रेंस जो कि बार्सिलोना में मुनक्किद हुई, उस कॉन्फ्रेंस में द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज गेट हेड ऑफ द गेम। जो उनवान था उस कॉन्फ्रेंस का गेट हेड ऑफ द गेम था, उसका मतलब होता है फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। शी वॉज द ओनली पाकिस्तानी इन दैट कॉन्फ्रेंस, और अरफा करीम वाहिद पाकिस्तानी थी उस कॉन्फ्रेंस में। तो प्यारे बच्चों, आपने किस बात पे फोकस करना है? फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आप तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जब तक आप कामयाब नहीं होते इसको अपने आप को फोकस रखें, अपनी नजरें अपनी कामयाबी पे मरकूज रखें। किस पे आपने फोकस करना है? ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग, अपने सीखने पे अमल पे फोकस करना है। आपको अपनी पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में मुतवज्जो होना चाहिए, टेकिंग नोट्स, इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी चाहिए, क्लैरिफाइंग डाउट्स, क्वेश्चन पूछने चाहिए जो आपको समझ नहीं आती, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस और मोबाइल या आपस में बातें करने से परहेज करनी चाहिए। इन 2011 एट द एज ऑफ 16 अरफा करीम वाइल स्टडिंग एट लाहौर फेल इल। 2011 में 16 साल की उम्र में अरफा करीम बीमार पड़ गई जबकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी एंड पास्ड अवे ऑन जनवरी 14, 2012 लीविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बिहाइंड। और उनकी वफात हो गई 14 जनवरी 2012 को, लीविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, अपनी यादें पीछे छोड़ गई। तो प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि टेक बेनिफिट ऑफ 5 बिफोर 5, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। योर हेल्थ बिफोर योर सिकनेस, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। योर वेल्थ बिफोर योर पावर्टी, अपनी दौलत को गरीबी से पहले। एंड योर फ्री टाइम बिफोर योर प्री ऑक्यूपेशन, अपने टाइम को जब वक्त ना रहे। और एंड योर लाइफ बिफोर योर डेथ, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। शी हैड गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। उसने
पाकिस्तानी तलबा को एक पैगाम दिया है, दे मस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइव्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत को अपना शार बना लें। तो प्यारे बच्चों, हम हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, थोड़ी देर के लिए। अपना वक्त मत ज़ाया करें, मेहनत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।